कहते हैं सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग में बहुत ताकत होती है, चाहे नोवेल हो, टीवी सीरीज हो या एक मूवी। ये थ्रिलर वाली कहानियां हमेशा से इंसानी दिमाग में एक एड्रेनलिन रश को पैदा करता है। ये ट्विस्ट एंड टर्न, सस्पेंस और थ्रिल वाली कहानियां एक कॉग्निटिव एंगेजमेंट का जरिया है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करता है। और अगर आपको ऐसे ही कहानियां पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम लोग रिव्यू करेंगे ऐसे ही सस्पेंस, क्राइम और थ्रिल से भरी हुई वेब सीरीज जो आप आराम से अपने घर बैठे अपनी ओटीटीज में ही देख सकते हो। चलिए लेट्स डाइव इन। रोल कैमरा एक्शन। आज के लिस्ट के नंबर 3 में है नेटफ्लिक्स की तरफ से साइंस फिक्शन ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द सिग्नल। हनी एक एस्ट्रोनॉट लेडी पॉला अचानक से गायब हो जाती है। फिर उनके पति जब इसी बारे में छानबीन करने निकलते हैं, तब वो लोग एक बड़ी मिस्टीरियस थ्रेट में फंस जाते हैं। ऐसा इवेंट होने लगता है जिससे पूरी ब्रह्मांड को थ्रेट है। आईएसएस में काम करने वाली पॉला तो कोई मामूली इंसान नहीं है ना, तब उनके वैनिश होने के पीछे क्या राज है, क्या हो सकता है और थ्रेट क्या है, यही शोकेस करता है ये सीरीज। ये एक मिनी सीरीज है तो आपको ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट करना नहीं होगा। मिस्टीरियस एलिमेंट से जो वो सस्पेंस क्रिएट करता है तो वो बहुत ही अच्छी है। एटमॉस्फेयर और सेटअप हुक करेगा आपको। इसकी एंडिंग उतनी खास तो नहीं है कि इसे मैं एक मास्टरपीस कह दूं, बट डिसेंट वेब सीरीज है। अगर आपको मिस्टीरियस साइंस फिक्शन स्टोरीज पसंद है तो ये डेफिनेटली एक मस्ट वॉच है। आज के लिस्ट के नंबर 2 में है नेटफ्लिक्स की तरफ से मॉडर्न मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज एंथ्रासाइट। ये जगह मस्त है ना, 30 साल पहले यहाँ एक कल्ट रहता था और एक दिन अंदर सबके सब मरे मिले। वेब सीरीज की नैरेटिव भले ही फिक्शनल हो, पर अगर ठीक से ध्यान दोगे तो सीरीज में आपको 1995 में फ्रेंच आल्प्स में जो मास सुसाइड हुआ था उससे बहुत इंस्पायर्ड लगेगा। और इसकी कहानी भी 30 साल पहले की है, लगभग वही 1994-1995 की आसपास की स्टोरी है, जहाँ कुछ लोगों का मर्डर हो जाता है, फिर उसे कलेक्टिव सुसाइड का नाम दिया जाता है। एक ऐसे टाउन की कहानी है ये, जहाँ ऐसे ऑकल्ट सीन्स तो आम बात है, अब वो 30 साल बाद उस ऑकल्ट ग्रुप में से कौन वापस आ गया है और फिर से ये मर्डर कौन कर रहा है, यही सब दिखाता है ये सीरीज। बहुत ही अच्छी थ्रिलिंग मिस्ट्रीज और एंगेजिंग वाइब देता है ये मिनी सीरीज। हर बार के थ्रिल मिलेगा आपको इस सीरीज में, साथ में काफी सारे शॉकिंग और सरप्राइजिंग मोमेंट्स भी दिखेगा आपको। और बेस्ट लगा मुझे सिनेमाटोग्राफी जिस तरीके से की गई है, हर एक सीन को एक विजुअल ट्रीट बनाता है। तो अगर आपको भी ऐसे ही कल्ट मर्डर से भरपूर ट्विस्ट और टर्न्स चाहिए तो ये सीरीज एक डेफिनेटली वॉच है। चाल बिछा रही है। आज के लिस्ट के नंबर 1 स्पॉट में है नेटफ्लिक्स की तरफ से डार्क हॉरर साइंस फिक्शन थ्रिलर वेब सीरीज कटला। You believe in the folklore? आपने कटला वॉल्केनो फोकलोर के बारे में सुना है तो इसके बारे में आपको कुछ तो आइडिया होगा। आ जाता है कि 12th सेंचुरी के टाइम एक विच को इतना गुस्सा आया था कि वो एक माउंटेन को वॉल्केनो में तब्दील कर दिए। आइसलैंड की ये सीरीज वही कटला के बाजू में एक छोटे से टाउन की है। कहानी शुरू होती है एक दिन अचानक से माउंटेन से एक लड़की आती है जो 20 साल पहले वहीं पे रहने वाली एक स्वीडिश लड़की की बिल्कुल कार्बन कॉपी है। और धीरे धीरे वहां से कई सारे इंसान आने लगते हैं जो किसी ना किसी का कार्बन कॉपी है, बी डेड और अलाइव। इन लोग के आने से पूरी टाउन में हलचल मच जाता है। बस 8 एपिसोड का ये सीरीज एक बहुत ही ब्यूटीफुल मास्टरपीस है। इसकी सिनेमाटोग्राफी इज ऑन अनदर लेवल। साइंस फिक्शन, फोकलोर, ओरिजिन, ग्रिपिंग नैरेटिव, हर चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। जब ट्रैंक्विलिटी और पीस डिस्टर्ब हो जाता है तब इंसान क्या से क्या कर सकता है उसे दिखाती है सीरीज। इसकी बीजीएम और नैरेटिव आपको एक हॉन्टिंग एक्सपीरियंस देगा। हार्श एनवायरनमेंट और इमिनेंट डेंजर की इमर्सिव एक्सपीरियंस शॉक फैक्टर्स को एक हाई लेवल स्टेज पे ले जाता है। हमारे आज के रिकमेंडेड वेब सीरीज जो आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। नीचे कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से कौन सी वेब सीरीज आपने ऑलरेडी देखी है और कौन सी आपको सबसे पसंद आई है। मेरे रिव्यूज के साथ आपकी फीलिंग्स मैच करें तो जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करते हुए जाना। ऐसे हिडन जेम रिकमेंडेशन और रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग द मैजिक ऑफ सिनेमा।